फोटोग्राफर, आज हम बात करेंगे स्टेबिलाइजेशन की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टेबिलाइजेशन किसी भी फोटोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं स्टेबिलाइजेशन की बात करूँ तो आपके मन में एक बात आती होगी कि अगर आप लेंसेज की बात करें तो आपने VR का नाम सुना होगा जो नाइकन यूज करते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन डिटेक्शन बोलते हैं। और ऐसे ही अगर आप कैनन की बात करें तो इमेज स्टेबिलाइजेशन आपके मन में आता होगा। ऐसे ही अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का अलग अलग टर्म होता है जिससे वो स्टेबिलाइजेशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेबिलाइजेशन की जरूरत क्या है। देखिए, जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, और सोचिए अगर आप कोई लॉन्ग टेलीफोटो लेंस पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, सोचिए 100mm, 150 या 300mm पे, तो होता ये है कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत कम हो जाती है, और आपका जो व्यूइंग एंगल होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आपका यहाँ पे अगर आपने कैमरा थोड़ा सा भी शेक किया तो वहां पे जो आपका व्यू है वो बहुत ज्यादा शेक हो जाता है, और उससे आपके कैमरे में ब्लर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए कंपनीज अलग अलग टाइप की स्टेबिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेजरली एक स्टेबिलाइजेशन टेक्निक की जिसमें आप लेंस को स्टेबिलाइज करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा लेंस स्टेबिलाइजेशन के बारे में। दूसरे जो टाइप का स्टेबिलाइजेशन होता है वो होता है सेंसर स्टेबिलाइजेशन। और आजकल जो लेटेस्ट मिररलेस कैमरा आ रहे हैं उसमें आपने एक नई टेक्नोलॉजी देखी होगी जिसको हम बोलते हैं सेंसर स्टेबिलाइजेशन। तो लेंस स्टेबिलाइजेशन और सेंसर स्टेबिलाइजेशन दोनों अलग चीज होती है। लेंस स्टेबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो लेंस है उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जाती है जिससे आपके लेंस से इमेज स्टेबिलाइज होके आपके कैमरा के सेंसर पे आए। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स जैसे सोनी, वो अपने लेंस को स्टेबिलाइज नहीं करते हैं, वो अपने सेंसर को स्टेबिलाइज करते हैं। तो उससे आपका लेंस जिस टाइप की भी फोटो आपके सेंसर पे प्रोड्यूस करता है, आपका सेंसर उसको एंटी करके उसमें से ब्लर हटाता है और स्टेबिलाइज इमेज को करता है। तो आज हम लेंस स्टेबिलाइजेशन के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे, और देखेंगे कि ये सेंसर स्टेबिलाइजेशन से कितने अलग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस स्टेबिलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि लेंस में अगर आप फोटो को स्टेबिलाइज करेंगे तो आपका जो सेंसर है उस पर पहली बात तो लोड नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार कंडीशन ये होती है कि अलग अलग लेंसेज अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके का होता है, ऑप्टिकली उनकी पावर एकदम अलग होती है, अलग फोकल लेंथ के होते हैं। तो बहुत बार होता ही है कि अलग अलग फोकल लेंथ का कोई लेंस आपके सेंसर पे अगर कोई इमेज को प्रोजेक्ट करता है तो आपके सेंसर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अगर आपका सेंसर स्टेबिलाइजेशन हो। इसीलिए लेंस स्टेबिलाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग साइज के लेंसेज की अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके आपके फोटो को लेंस में ही स्टेबिलाइज करके आपके सेंसर पे इसका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए आपके पास अगर नाइकॉन के VR लेंसेज हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप शटर को हाफ प्रेस करें तो आपका जो इमेज है वो एकदम स्टिल हो जाती है, और वो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड तरीके से दिखती है। ऐसे ही कैनन के केस में अगर आपके पास एक इमेज स्टेबिलाइजेशन लेंस है उसमें भी आपको अपना शटर रिलीज बटन हाफ प्रेस करके आप इमेज स्टेबिलाइजेशन को एंगेज होते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि लेंस स्टेबिलाइजेशन हमेशा सुपीरियर होता है, और इसका फायदा हमेशा सेंसर स्टेबिलाइजेशन से ज्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग लेंसेज की अलग अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेंस स्टेबिलाइजेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक दूसरी कंडीशन पे, दूसरे एडवांटेज पे, जो अगर आप लेंस स्टेबिलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो आपको सेंसर स्टेबिलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट देगा। देखिए, लेंस स्टेबिलाइजेशन जैसे हम सब जानते हैं कि लेंस में ही फोटो को स्टेबिलाइज करके आपके सेंसर पर प्रोजेक्ट करता है। तो जब भी आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं, सोचिए रात को फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अगर आपका फोटो शेकी हो सकता है और आपने इमेज स्टेबिलाइजेशन को एंगेज करा तो आपका लेंस उसको ऑप्टिकली स्टेबल करके आपके सेंसर पर प्रोजेक्ट करेगा। यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रात को सेंसर स्टेबिलाइजेशन यूज करेंगे तो आपके सेंसर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि उसको रात में अपने फुल परफॉर्मेंस देके फोटो को कैप्चर भी करना है और उसके साथ इमेज स्टेबिलाइजेशन का काम भी परफॉर्म करना है। तो इसकी वजह से सेंसर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और उससे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाती है। तो इसलिए रात की फोटोग्राफी में भी लेंस स्टेबिलाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और आपके फोटो जो है वो लेंस के थ्रू ही स्टेबिलाइज होके आपके सेंसर पे प्रोजेक्ट होंगे। तीसरा जो एडवांटेज है जो अगर आप लेंस स्टेबिलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि आपकी जो स्टेबिलाइज्ड इमेज है वो आपको व्यू फाइंडर के थ्रू ही दिखेगी।
जैसे कि हम सब जानते हैं लेंस स्टेबिलाइजेशन एक लेंस की टेक्नोलॉजी है, और आप अगर DSLR में अपने फोटो को लेंस के थ्रू देख रहे हैं तो आपको वो स्टेबलाइज्ड इमेज दिखेगी अगर आपका इमेज स्टेबलाइजेशन एनेबल हो गया हो तो। तो इससे आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि स्टेबलाइज्ड इमेज में आपका कंपोजिशन क्या है, और आपको फोटो खींचने तक एकदम डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि आपका फोटो किस टाइप का आएगा, और अगर आपको वो फोटो सही से दिख नहीं पाया तो उसका कंपोजिशन क्या होगा। एक और अगर हम चौथे एडवांटेज की बात करें, जो अगर आप लेंस स्टेबलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो आपको शायद हो सकता है, वो ये है कि अगर आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हैं जिसमें आपके लेंस में ही स्टेबलाइजेशन है तो आपकी जो कैमरा बॉडी है वो रिलेटिवली छोटी हो सकती है, और ओवरऑल कैमरे का साइज छोटा हो सकता है, उसमें वेट छोटा हो सकता है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन करने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं लगाए जाएंगे, इसलिए ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है आपका कैमरे का वो छोटा हो जाएगा और आपके लेंस थोड़ा सा बल्कि हो जाएंगे। एक और आखिरी जो एडवांटेज है, जो हमारा पांचवा एडवांटेज है, जो अगर आप लेंस स्टेबलाइजेशन यूज कर रहे हो, ये है कि अगर आप लेंस के थ्रू अपनी इमेज को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो आप पुराने फिल्म कैमरास में भी इस लेंसेज को यूज कर सकते हैं, और आप अपने लेंस स्टेबलाइजेशन को यूज करके एकदम ब्लर फ्री फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुराने जो SLR कैमरास हैं वो कुछ लेंसेज यूज करते हैं, और इनमें अगर इमेज स्टेबलाइजेशन हो तो आपके जो फिल्म है उसके ऊपर एकदम स्टेबलाइज इमेज प्रोजेक्ट होगी और उससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ डिसएडवांटेज पे, जो अगर आप लेंस स्टेबलाइजेशन यूज कर रहे हैं और इमेज स्टेबलाइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमारा है वो ये है कि लेंस स्टेबलाइज आप लेंस यूज कर तो लेंगे, लेकिन क्या स्टेबलाइजेशन की अवेलेबिलिटी सब लेंसेज में है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लेंसेज हैं, जैसे कुछ वाइड एंगल लेंसेज आप देख लीजिए, कुछ प्राइम लेंसेज देख लीजिए, हो सकता है उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर कोई एडेड फीचर है तो वो हमेशा अच्छा रहता है, और इसीलिए इमेज स्टेबलाइजेशन अलग अलग लेंसेज में अवेलेबल नहीं है। जनरली इमेज स्टेबलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो लॉन्ग टेलीफोटो लेंसेज में ही ज्यादा अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर सभी लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन हो तो वो एक बहुत अच्छी बात है, और आपका अगर कोई 1% चांस भी है किसी फोटो को ब्लर कर देने का तो वो भी इससे अगर एलिमिनेट होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरे डिसएडवांटेज पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट की बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप इमेज स्टेबलाइज लेंस यूज कर रहे हैं तो आपके जो स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है वो आपके लेंसेज में होगी, और सोचिए अगर आप कैमरा के सेटअप यूज कर रहे हैं तो आपके पास 2 या 3 कैमरा बॉडी है, लेकिन अगर आपके पास 7-8 लेंसेज हैं तो उसमें से अगर बहुत सारे लेंसेज इमेज स्टेबलाइज हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगा के ही वो टेक्नोलॉजी उसमें डाली गई है। तो अगर आप नॉन स्टेबलाइज लेंस देखें और इमेज स्टेबलाइज लेंस देखें तो उनमें करीब करीब 2 गुना का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि अगर आप कैनन के केस में देखें तो नॉन IS वर्जन जो कैनन के 70-200 लेंसेज आते हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, और उससे डबल दाम के जो इमेज स्टेबलाइज लेंसेज हैं वो हैं। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अगर आप इमेज स्टेबलाइज लेंस देखना चाहते हैं तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और आपको शुरू में ही बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे आप बेटर फोटोग्राफी कर सके। एक और जो तीसरा डिसएडवांटेज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बार ये होता है कि जो वाइब्रेशन रिडक्शन या इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस स्टेबलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाती है थोड़ा। जैसे कि हम अलग अलग कंपनीज में देख रहे हैं, जैसे कि नाइकॉन में 70-200 लेंस की अगर हम बात करें तो उसमें पहले VR1 आया था जो कि पहली टेक्नोलॉजी थी वाइब्रेशन रिडक्शन की, और उसके बाद फिर हमने देखा कि VR2 लेंस आया था जिसमें वाइब्रेशन रिडक्शन की एक दूसरी टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे ही लेंसेज में वाइब्रेशन रिडक्शन की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है वैसे वैसे लेंसेज आपके पुराने होते जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमेज की क्वालिटी खराब होती जाती है, बट आप जिस चीज के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जो कि वाइब्रेशन डिटेक्शन है और इमेज स्टेबलाइजेशन, वो टेक्नोलॉजी थोड़ा थोड़ा पुरानी होती जाती है, और हो सकता है कि आपका वाइब्रेशन डिटेक्शन थोड़ा सा और एक्यूरेट होते जाए, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, और बहुत बार ये भी हो सकता है कि आपको अपना लेंस भी चेंज करना पड़े। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं चौथे डिसएडवांटेज पे, जो अगर आप इमेज स्टेबलाइज लेंस यूज कर रहे हैं तो वो ये है कि अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन यूज कर रहे हैं और आप अगर ऐसा लेंस रखते हैं जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है तो जब भी आप वीडियो शूटिंग कर रहे होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि इमेज स्टेबलाइजेशन जब आपका ऑन होता है तो वो आपके वीडियो में उसकी नॉइज आ जाती है। अब ये नॉइज क्योंकि आपके लेंस में से आ रही होती है तो सबसे करीब आपका कैमरा होता है जो इमेज स्टेबलाइजेशन की जो सिस्टम है उसकी जो साउंड है उसको कैप्चर कर लेता है और आपके वीडियो में उसको डाल देता है। तो साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, और इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है आपको फोटो और वीडियो अपनी स्टेबलाइज मिल रहे हैं लेकिन
आपके फोटोज में, और हो सकता है आपको खुद वो साउंड जो इमेज स्टेबिलाइजेशन प्रोड्यूस करता है वो खुद अच्छी ना लगे। तो बस यही थी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस लेंस स्टेबिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के। तो अगर आप कोई लेंस यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप लेंस स्टेबिलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को देखना ना भूलें। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस पोस्ट करूँ वो सबसे लेटेस्ट में आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ और अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।